इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। पंद्रह करोड़ पंथा की चार्टर अकाउंटेंट, मुझे अपने कंपनी के सीए से बात करनी है, अभी मिश्रा से, अर्जेंट। मिश्रा, इस साल के अकाउंट में ये 15 करोड़ का घाटा क्या दिखा रहा है? क्या है ये 15 करोड़? रीजेंट वर्मा, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे 15 करोड़ कहां गए, बस दैट्स इट। वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, अच्छी तरह से जानते हो मिश्रा तुम। धर्मेश, सिट। रोशन, वर्गीस और काजी, रीजेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज की टॉप फर्म रीजेंट फर्मा, तुम चारों के अंडर में है ना? हाँ बोलो। और तुम में से एक भी नहीं जानता कि मेरे 15 करोड़ कहां गए, वो भी एक साल के अंदर अंदर। सर, वो रीजेंट फर्मा के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, सर ये रोशन ही संभालता है। इज राइट सर। सर जितने भी पीएनएल स्टेटमेंट्स है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जितने भी है, सर ये देखता है। अरे मुझे अकेले का काम थोड़ी है, तुम तीनों भी तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। और वैसे भी सर, लास्ट वीक के स्टेटमेंट तो मैं सब वर्गीस से मिला। हेलो, मैं लीव पर था। बच्चों के जैसा लड़ना बंद करो तुम लोग। इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, बस करो ये। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मेरे 15 करोड़ कहाँ गए, दैट्स इट। बोल। नो स्ट्रेस। इस टीम के लिए कौन कौन आ रहा है मेरे साथ? देखो भाई, मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया है कि स्ट्रेस लो मत, स्ट्रेस दो। थैंक यू मिश्रा। गुड इवनिंग सर। स्टीम? या, बट ओनली हाफ एन आवर। ओके सर। ये लॉकर में रख दो। सर ये आप ले जा सकते हैं अंदर। नो स्ट्रेस विक्रम रोहिरा, नो स्ट्रेस, कूल। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस नहीं लेना। अभी अभी मेरे सीए का फोन आया था, वो कह रहा था कि 15 करोड़ के घोटाले में तुम चारों में से कोई एक है। कूल बॉयस, तुम चारों के चेहरे पे टेंशन क्यों? टेंशन तो किसी एक इंसान के चेहरे पर होना चाहिए जो कोई भी इस घपले में शामिल होगा। खून के आंसू रोएगा वो। 20 साल के लिए जेल में चढ़ा दूंगा मैं। हाँ देखो, अभी भी वक्त है,
बता दो तुम चारों में से वो फ्रॉड किसने किया है, नहीं तो आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा सीए मुझे खुद बता देगा तुम चारों में से किसी एक का नाम। बता वो चोर कौन है। सर वो रीजन फार्मा के जितने भी फाइनेंसिस है ना, सर वो रोशन ही संभालता था। मुझे बसाने की कोशिश कर रहा था मैं। You shut up! Cool boys, लगता है तुम चारों मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। चारों मिले हुए लगते हो। कोई बात नहीं, हम चारों का ये आखिरी स्ट्रीम है, एंजॉय। रोशन छोड़ मुझे रोशन। कोई निकला था उनमें से बाहर? नहीं सर, मैंने उन चारों को लॉक कर दिया। किसी नुकीली चीज से उनके गले पे वार हुआ है जिसके वजह से उनकी मौत हुई। किसने किया तुम में से? बोलो, मेरे पास और भी तरीका है बुलवाने का। बोलो सर, वो बॉस है ना सर, मरने से पहले ना सर रोशन चला रहे थे सर, वो आवाज रोशन के नाम की आ रही थी सर। हाँ सर, मैंने भी यही सुना था सर, बॉस मरने से पहले रोशन का नाम चला रहे थे। कहाँ छुपा है मर्डर का वेपन? निकल। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया और ना कोई मेरे पास वेपन है। मेरे हाथ में सिर्फ यह सेलफोन था स्टीम रूम में। ये देखिए, कहाँ है मेरे पास कोई हथियार या औजार? सेलफोन से मर्डर होता है, केड़ा समझता है पुलिस वाले को? सर मेरे पास और कोई औजार नहीं है, मेरे पास सिर्फ यह सेलफोन है। ज्यादा बोलने का नहीं। ए, तबियत के? और तुम तीनों, तुम पर भी मेरी नजर है, उल्टा बांध के मारता हूँ, याद रखना। सर मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा सर। साहब चारों को अंदर लॉकअप में बंद रखा है, उनके शरीर से सिर्फ तौलिया मिली है और कुछ नहीं सिवाय इन चार सामान के। कमले, मर्डर किताब से हुआ, ईयरफोन से, बात से या फोन से, कैसा पॉसिबल है? अरे जिस औजार से कत्ल हुआ वो है कहाँ और क्या है? केडी सर बहुत ही मुश्किल पहेली है। कैसी पहेली? मिस्टर बिलमोर है, एकदम डिटेक्टिव टाइप की पहेली है। एक बंद खाली कमरे में एक आदमी की लाश पंखे से लटकी। हाँ, ना कोई टेबल ना कुर्सी जिस पर वो आदमी खड़ा होकर लटक सकता। तो कैसे लटका? यही तो पहेली है। बस एक टेबल फैन है कमरे में, वो भी कोने में पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए वो मरा कैसे? डम्बो, अरे टेबल फैन के ऊपर खड़ा रह के, राइट ना केजी? बिली, टेबल फैन था, टेबल नहीं। टेबल फैन पे कैसे कोई खड़ा हो सकता है?
मेरे को ये सब अभी समझ में नहीं आता है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों टेंशन ले रही हो बिली? आपके नए चश्मे आ जाएंगे शाम तक। तुमको कैसे मालूम मैंने नए चश्मे ऑर्डर किया? वो देखो आपकी जो बाई आंख है वो एक मिनट में कुछ 20 बार फड़की, और आपके जो दाहिने हाथ का अंगूठा सूजन है। What? सिर्फ आंख और सूजे हुए अंगूठे को देखकर आपने ये सब बता दिया? वरुण मजाक कर रहा हूँ। There's something called a sense of humor. बिली आपके ऑपरेशन का फोन आया था, उसने बताया कि आपके ऐनक रेडी हैं। केडी, you're always teasing me. तो मैं आपको इस पहेली का जवाब जरूर बताऊंगा कल तक, give me some time. एक मिनट। हेलो, कौन मिलना चाहते हैं? रोशन रेगे। I'm sure, sir. पुलिस मुझ पर ही केस चलाए और इसलिए मैं पहले से ही आपको अपना लॉयर अपॉइंट करना चाहता हूं। लेकिन इस हत्या का संदेह तो तुम्हारे साथ जो 3 दोस्त थे तुम्हारे, उन पर भी है। लेकिन मिस्टर रोहिरा ने मरने से पहले सिर्फ मेरा नाम पुकारा था। क्यों ऐसा किया उन्होंने, कोई कारण? मुझे नहीं पता सर। इनफैक्ट मैं तो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। तो नहीं पता मिस्टर रोहिरा ने मेरा नाम क्यों पुकारा। तो हत्या तुमने नहीं की? नहीं सर, और मैं उनकी हत्या तो कैसे कर सकता था, ना मेरे पास कोई औजार था ना कोई हथियार, हाँ तो सिर्फ एक सेल फोन, उससे हाउ कैन आई कमिट अ मर्डर सर। लेकिन वो 3 भी ऐसा ही कुछ कह रहे, ऐसा तो नहीं कि कोई हत्या का औजार पहले से लेकर गया था वहां? वरुण, हमने स्टीम रूम को अच्छे तरीके से चेक किया, ना कहीं टूटी हुई टाइल है ना कहीं हिडन कैबिनेट जहां पर वेपन छुपाए जा सके। हैरत की बात है, ये भी तो हो सकता है कि खूनी मर्डर वेपन अपने साथ लाया हो। चारों की हमने कस के तलाशी ली है, अगर ऐसा होता मर्डर वेपन मिल जाता। सर मैंने लॉक किया था, मैंने किसी को बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया सर, मैंने लॉक किया है सर। हाँ सर मालूम है। अजीब बात है, 5 लोग एक बंद कमरे में, मर्डर वेपन का नामो निशान नहीं, खून हुआ कैसे? आपके केडी ने केस क्रैक नहीं किया? करता हूँ रोशन जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो अदालत का टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरा भी टाइम वेस्ट, 10 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि कन्फेस करना है, आपने फोन किया बस। सर मैंने किसी को नहीं मारा। कैसे आप कह रहे हैं, आपने नहीं मारा तो फिर आपके बॉस ने मरते समय आपका नाम क्यों लिया? और ये सिर्फ आप नहीं, आपके साथ आपके जो 3 दोस्त हैं वो सभी इस बात पे एग्री कर रहे हैं, आपने भी माना ना आपका नाम ले रहे हैं। जी सर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मरने से पहले मेरे बॉस ने मेरा नाम क्यों लिया। देखिए कभी भी किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले, परिणाम तक पहुंचने से पहले परिस्थिति और हालात देख लेने चाहिए। योर ऑनर, उस समय उस स्टीम रूम में बहुत सारा भाप था, दृष्टि धुंधली, तो इतने संभव है कि रोहिरा साहब को गलत फहमी हुई हो कि रोशन ने उन्हें मारने का प्रयास किया। नहीं, उनको गलत फहमी हुई होगी, ऐसी आपको गलत फहमी हुई है, उनको सही फहमी हुई थी, इन्होंने ही खून। ये आप सब किस आधार पर कह रहे हैं? इनके पास तो कोई हथियार नहीं था, कोई औजार नहीं था, केवल इनका सेलफोन था, तो फिर कैसे हत्या की? कैसे खून किया ये मैं आपको 10 मिनट में बताऊंगा, लेकिन क्यों खून किया ये मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। और उसके लिए योर ऑनर मुझे अपने पहले विटनेस को कटघरे में बुलाना पड़ेगा, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मिस्टर केशव मेहरा। सर मिस्टर रोहिरा ने मुझे अपनी मौत से 1 घंटे पहले फोन किया था। बेटा 20 साल के अकाउंट में ये 15 करोड़ का घाटा क्या दिखा रहा है? 15 करोड़ का फ्रॉड,
मिस्टर रोहिरा ने मुझे फाइंड आउट करने को कहा कि ये फ्रॉड इसके अकाउंट से किया गया है। और फिर आपको पता चला कि इन तीनों में से और किसी एक ने ये फ्रॉड किया है, नहीं? रीजेंट फार्मा में ये 15 करोड़ का लॉस मिस्टर रोशन के अकाउंट से हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। ये देखिए सर, सारी डिटेल्स है इस फाइल में कि किस तरह इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स दिखाकर ये 15 करोड़ का गबन किया। मिस्टर पाठक, इसमें साफ दर्ज है कि आप ही के क्लाइंट ने फ्रॉड किया है। 15 करोड़ 11 लाख। हाँ सर, ये फ्रॉड मैंने ही किया, लेकिन इस कंपनी के फ्रॉड में मैं अकेला भागीदार नहीं, काजी भी था। सर झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है सर ये। देख, इस कांड में ना मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश मत कर। सर मैंने कुछ नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर काजी सिट डाउन। हाँ सर, मैंने ही अपनी कंपनी में 15 करोड़ का फ्रॉड किया है, और इसके लिए मुझे जो सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन मैंने अपने बॉस का खून नहीं किया, एडी में अपने दूसरे की बच्चे की कसम खा ली है। मिस्टर रोहिरा को मैंने नहीं मारा, दोनों ने अपने आप को मारा। रोशन जी देखिए, आपकी पोल खुल चुकी है और पाठक साहब आपका केस बंद। योर ऑनर, इन्होंने जो फ्रॉड किया था इनके बॉस मिस्टर रोहिरा को उसका पता चलने वाला था, और इससे पहले कि आपके बॉस आपके गिरेबान तक पहुंचते आप उनके गिरेबान तक पहुंच गए और उनका मर्डर कर दिया टीम रूम में। सर मैं उनका खून कैसे कर सकता हूं? आई स्पीक, मेरे पास सिर्फ सेल फोन था, आई स्पीक भी था। जसवाल साहब, रोशन जादूगर नहीं है जिसने अपने सेलफोन को आइस पिक बना दिया। मिस्टर पाठक, तो फिर मिस्टर रोहिरा की मौत कैसे हुई? योर ऑनर, आपकी मेज पर फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई जिसके अनुसार उनकी जगुलर वेन काटी गई, 2 मिलीमीटर चौड़ा और 4 इंच गहरा घाव था। जसवाल साहब सही कह रहे हैं, ऐसा घाव किसी आइस पिक या स्क्रू ड्राइवर इत्यादि इस प्रकार के औजार से किया जा सकता है। किंतु जसवाल साहब, पूछने वाली बात यह कि पुलिस ने चारों व्यक्तियों की तलाशी ली, हर प्रकार किसी के पास ऐसा कोई औजार प्राप्त नहीं हुआ। योर ऑनर, इस बात का गवाह टीम रूम का अटेंडेंट मिलिंद। सर, जैसे ही मुझे पता चला कि खून हुआ है, मैंने चारों को स्टीम रूम में लॉक कर दिया, एकदम लॉक, पुलिस वालों के आने तक। अरेस्टिंग ऑफिसर कौन था? सर, वारदात से लेकर अब तक हमारी इन लोगों पर कड़ी नजर, अगर इनके पास कोई हथियार होगा तो इनके शरीर पर ही होगा। शरीर पर तो केवल टावल, और ये सेलफोन था यार। हाँ, ये सेलफोन था ना। आप यू डोंट टेक टेंशन, आई विल मेंशन कि इसके अंदर कोई छुपा हुआ हथियार है। योर ऑनर, मैं चाहता हूँ यू पे लिटिल अटेंशन ऑन दिस फोन। योर ऑनर, ये योर ऑनर प्रोसिक्यूशन एविडेंस को तोड़ रहा है। तोड़ नहीं रहा है योर ऑनर, गलती से गिर गया है, तो मैं अभी बस देख ही रहा हूँ इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे। मैं आप यहाँ वहाँ की बातें मत करिए, कुछ मिला आपको इसमें? अरे क्या, कैसे की जो नहीं मिला वो 3 बार पूछ रहे हैं, जो मिला उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब मुझे मोटिव ऑफ मर्डर मिला, नहीं पूछ रहे आप। ये मरने वाले ने इनका नाम लिया, उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछ रहे आप। मरते समय व्यक्ति भगवान का भी नाम लेता है, इसका ये अर्थ नहीं होता कि भगवान हत्यारा हो। मिस्टर पाठक, बातों में केस को मत उलझाइए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस को जीतने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आपके क्लाइंट के सिवा इन तीनों में से किसी एक को काफी साबित करना। सर,
तो उस दिन टीम रूम में मतलब आपके तौलिए के अतिरिक्त ये MP3 प्लेयर और ये हेडफोन्स थे आपके पास, राइट? जी सर, यही हेडफोन थे। मतलब वाओ, योर ऑनर पाठक साहब ने केस क्रैक कर दिया। मतलब हार्ट अटैक वाय ईयर अटैक। नहीं, आई मीन सॉरी सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन कमाल है योर ऑनर, इन्होंने क्या किया, अपने जो बॉस थे रोहिरा जी के कान में ये ईयर प्लग डाले और वे MP3 में इतना जोर से म्यूजिक बजाया कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। ही इज द क्रिमिनल, लेकिन वन कंफ्यूजन, जो रोहिरा जी थे यहाँ पे गले में उनको घाव भी था नुकीली चीज का, प्लीज एक्सप्लेन एंड ऑब्लाइज। हो गया। हाँ तो धर्मेश जी, मैं क्या कह रहा था आपसे कि हाँ बा, मुझे भी बड़ा आनंद मिलता है जब जिम में सौना में वैसे संगीत सुनता हूँ। आप किस प्रकार का संगीत सुनना? अच्छा, रॉक म्यूजिक सुनते हैं। चलिए एक काम करिए, ये लीजिए वही गाना लगाएं और ये म्यूजिक सुने। क्या लगता है आपको मिस्टर जायसवाल, क्या इन्होंने हत्या की है या नहीं? सुना कुछ आप? क्या कहा आपने सर? जी मैंने कहा, और यही कहना चाहता था मैं योर ऑनर कि जब इनके इतने समीप खड़े होकर, इतने निकट खड़े होकर इतनी जोर से चिल्लाए और इन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी, तो उस दिन टीम रूम में जब ये इसी ध्वनि पर गाना सुन रहे थे, संगीत सुन रहे थे, इन्होंने रोहिरा साहब को चिल्लाते हुए कैसे? डोंट आंसर, गाना खत्म हो गया होगा। योर ऑनर, अक्सर ऐसा होता है कि जब एक गाना खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, उसके बीच में एक 2-3 सेकंड का ब्लैंक पॉज जाता है, उसी ब्लैंक पॉज में रोहिरा जी रोशन रोशन करके चिल्लाए होंगे और इन्होंने सुन लिया होगा। यस योर ऑनर, ऐसा ही हुआ था, गाना खत्म हो गया था। सर अगर मेरे बॉस ने रोशन रोशन भी चिल्लाया या नहीं चिल्लाया, इससे बात ये जाहिर नहीं होती है कि मैं ही कातिल हूं। MP3 प्लेयर वापस ले लीजिए, कुछ मिली या नहीं उसमें? और वैसे भी आपकी जो आखिरी लाइफलाइन थी उसका फर्स्ट ऑप्शन तो गया। तो इस किताब को लेकर आप स्टीम रूम में बैठे थे, ये पुस्तक पढ़ रहे थे आप? जी हाँ सर, मुझे पढ़ने का शौक है। द ग्रेट मुगल जीरोन, इतिहास पढ़ने का शौक है आपको? ढूंढ रहे हैं आप पाठक साहब? शायद कोई नुकीला पदार्थ होगा, मैंने एक फिल्म में देखा था, एक किताब में गन थी, गन। अब ट्राई कीजिए, आपको गन तो नहीं मिलेगी लेकिन शायद वो हथियार मिल जाए जिससे मारा था। मैं हथियार नहीं जसवंत, कुछ और ही ढूंढ रहा। क्या मैं आपकी मदद करता हूँ? मैं करता हूँ ना, बार बार ऐसे क्या देख रहे हैं बताओ, क्या है इसमें? आप देखिए, तब तक मैं वर्गीस साहब से ये पूछ लूं कि वर्गीस साहब, टीम रूम में तो अक्सर कुछ क्षणों में ही पूरा धुआं भर जाता है, तो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते, तो ऐसे में आप किताब कैसे पढ़ रहे हैं? आप चश्मे भी पहनते हैं, चश्मों पर भी? एक्चुअली सर, स्टीम रूम में मैं पहली बार गया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैं किताब बड़ी तेजी से पढ़ लेता हूँ। अच्छा, किताब बड़ी तेजी से पढ़ लेते हैं आप, द ग्रेट मुगल पढ़ रहे थे आप, तो फिर तो आपको ये पता ही होगा कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था। हुमायूं? जी, ग्रेट मुगल हुमायूं के पिता। सॉरी सर, मैंने वहां तक पढ़ा नहीं। नहीं, वहां तक आप पहुंचे हैं, क्योंकि वही मैं ढूंढ रहा था पुस्तक में, आपने जहाँ पेज होल्ड किया है। अब देखिए जयसवाल साहब बताएंगे, जयसवाल साहब देखिए वो पन्ना। देख लिया मैंने। कौन है हुमायूं के फादर? बाबर सर। एक्चुअली मेरे माइंड से स्लिप हो गया। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? कितना घिनौना अपराध किया है आपने? इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। होता है अक्सर, इंसान भूल जाता है नाम, क्या बड़ी बात है। मैं भी कई बार अपनी ऐसी चीजें कहीं रख देता हूँ, भूल जाता हूँ। जयसवाल साहब देखिए, आप क्या भूलते हैं नहीं भूलते उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि टीम रूम में इतना धुंध होते हुए आप चश्मे पहनते, आपके चश्मे फॉग हो गए होंगे, आपने वो किताब कैसे पढ़ी? नहीं, समझ तो मैं नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप हद पार कर रहे हैं। इन्होंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू हैव स्टिल नॉट प्रूव्ड व्हाट यू हैव टू। पॉइंट ये है मिस्टर जयसवाल कि ये झूठ बोल रहे हैं।
मिस्टर पाठक, आपकी कोशिश में समझ रहा हूं, लेकिन इस केस में आप अब तक कुछ साबित नहीं कर पाए। ये सब काजी का काम है। वो मेरे साथ फ्रॉड में भी शामिल था और आज वो साफ मुकर रहा है। फ्रॉड का सारा पैसा भी उसी के पास सेफ कीपिंग में, और उसी का प्लान था सर, मिस्टर रोहिरा को मारकर उसका इल्जाम मुझ पर लगा। सारा पैसा खुद ही हड़प लेना चाहता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोर्ट में खुलासे के बाद पुलिस काजी पर भी नजर रखेगी। आज नहीं तो कल उसकी काली करतूत पकड़ी जाएगी। स्पीकिंग ट्रूथ, अगर तुम सच बोल रहे हो तो। सर, आपको लग रहा है अभी भी मैं झूठ बोल रहा? ये जो 15 करोड़ के गबन की बात तुमने मुझसे छिपाई, झूठी है ना? ठीक है, जो सत्य है वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। मेरी बेट तो आपके क्लाइंट रोशन पर है, सारे चांसेस उसी के लग रहे हैं। आफ्टर ऑल, जो आदमी आपसे एक बार झूठ बोल सकता है, वो कत्ल की बात भी आपसे छुपा सकता है। वो तो ठीक है वरुण, लेकिन कत्ल का हथियार कहाँ गया? मिल गया, मिल गया, मिल गया। कत्ल का हथियार मिल गया आपको? वो लूप कीड़ी, वो पहेली का जवाब मिल गया। क्या बात है मिस्टर बिलमोर, तो वो आदमी लड़का कैसे? पता है, वो आदमी 10 फुट का था, राइट केडी? सॉरी बिली, रॉन्ग आंसर। केडी सर, उस पहेली का जवाब क्या है? प्लीज बताइए ना, इस कहानी में एक रिडल का तो जवाब पता चले। उस आदमी ने बर्फ की लादी पर खड़े होकर अपने आप को लटकाया। समय के साथ साथ बर्फ पिघलता गया और कोने में जो पंखा चल रहा था, टेबल फैन, उसके कारण पानी सूख गया। ना बर्फ का कोई निशान, ना सूखे हुए पानी। कैसे सर? एक ही दिन में 2 रिडल के जवाब नहीं देता, अदालत में बताऊंगा। काजी साहब, मेरे मुवक्किल रोशन का कहना है कि ये जो गबन हुआ था 15 करोड़ रुपए का, उसमें आप भी भागीदार थे, आप दोनों की मिली भगत। देखिए सर, अब तो ये ऐसे ही कहेगा। एक्चुअली मेरी और रोशन की आज तक कभी बनी है, इसलिए सारा बिल मुझ पर फाड़ रहा है। अच्छा, उसी प्रकार से जैसे आपने इन पर बिल फाड़ा, इनका नाम लिख। सिर्फ मैं नहीं सर, बाकी 2 लोग भी ये कह रहे हैं। जब रोहिरा का कत्ल हुआ तो रोशन रोशन चिल्ला रहे थे सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने इस कॉफी फ्लास्क से मिस्टर रोहिरा का कत्ल किया? जी नहीं काजी साहब, फ्लास्क से क्या तो नहीं किया, किंतु योर ऑनर, ये फ्लास्क है बड़े काम की चीज। इसमें जो गर्म होता है वो गर्म रहता है, और जो ठंडा होता है वो ठंडा रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है योर ऑनर, कि अगर स्टीम रूम में कोई किसी की हत्या करना चाहता है तो बर्फ से बना चाकू अगर इस फ्लास्क में डालकर ले जाए तो वो ठंडा रहेगा योर ऑनर, पिघलेगा नहीं। और हत्या के समय फ्लास्क को खोलकर अगर वो चाकू बाहर निकाला जाए, हत्या की जाए, फिर स्टीम रूम में रौनक कुछ क्षणों में ही बर्फ पिघल जाता है। बड़े काम की चीज है ये फ्लास्क, क्यों काजी साहब? आई अग्री पाठक साहब। मतलब पाठक साहब, आपने अभी जो थ्योरी बताई, हो सकता है कि खून ऐसे ही हुआ होगा, आई अग्री, लेकिन जब तक आप साबित नहीं करेंगे, अदालत अग्री नहीं करेगी। सर, ये आप साबित कैसे करेंगे? कैसे साबित करेंगे मतलब? नहीं, क्या उस दिन किसी ने मेरे हाथ में बर्फ के चाकू को अंदर ले जाते हुए देखा? नहीं ना सर। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं कि उस दिन फ्लास्क में मैं कॉफी ही पी रहा था? अगर आपको यकीन नहीं आता है, आप एक बार उसे स्मेल करके देख लीजिए, उसमें से कॉफी की स्मेल आएगी। अच्छा, फ्लास्क में गर्म कॉफी थी तो वो आइस वाला चाकू होना तो पॉसिबल नहीं है ना सर? नहीं जसवाल साहब, आप समझ नहीं रहे, ये कैसे प्रमाणित होता है कि उस दिन स्टीम रूम में इस फ्लास्क में कॉफी ही थी, जबकि उनकी सेक्रेटरी जो है मिस जोशी,
उनका ये कहना है दादी साहब कि आप तो कॉफी पीते ही नहीं, आप चाय पीते हैं, फिर अचानक हत्या के दिन घटना स्थल पर आप कॉफी क्यों पी रहे? जी हाँ सर, लेकिन उस दिन मेरा कॉफी पीने का मूड था। अच्छा अचानक। लेकिन सर इस बात से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि कत्ल मैंने किया है। नहीं सर। करें जैसे किताब का पढ़ना या म्यूजिक का सुनना कोई जुर्म नहीं है, वैसे ही और एक कॉफी वाली आर्गुमेंट काफी नहीं है इन्हें अपराधी साबित करने के लिए। आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। आप जो कह रहे थे ना बर्फ वाला चाकू उसमें था, तो प्रूव कीजिए ना कि उसमें था। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश इस समय मेरे पास अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, किंतु जिस प्रकार से मेरे मुवक्किल पर आरोप है योर ऑनर, संदेह है। उसी प्रकार जो तीन और व्यक्ति वहां उपस्थित थे उन पर भी संदेह है। काजी साहब जो चाय पीने वाले हैं वो कह रहे हैं कि अचानक उन्हें कॉफी पीने का मन किया, इसलिए वो क्लास में कॉफी लेकर गए, वो भी थी। वर्गीस साहब जो चश्मा पहनते हैं, टीम रूम में योर ऑनर चश्मा फॉग होता है, पुस्तक लेकर गए थे टीम रूम जबकि चश्मा पहने, कहते हैं उन्होंने पुस्तक पढ़ी किंतु उन्हें कुछ याद नहीं है पुस्तक। और धर्मेश साहब, अदालत में मैं प्रमाणित कर चुका हूं कि जब वो गाना सुन रहे तो उन्हें चीख सुनाई नहीं। योर ऑनर कहीं ना कहीं ये तीनों लोग मेरे मुवक्किल की तरह संदेह के घेरे में। योर ऑनर मिस्टर पाठक, आई एग्री विथ यू, लेकिन इसके आधार पर हम इसे दोषी करार नहीं दे सकते। योर ऑनर फिर मेरे मुवक्किल रोशन, ये अदालत किस आधार पर दोषी माने? ना कोई हत्या का औजार बरामद हुआ है इनके पास, ना कोई चश्मदीद गवाह है जिसने इन्हें हत्या करते हुए देखा, केवल जो तीन व्यक्ति वहां उपस्थित उनकी कही बात पर कैसे विश्वास कर? यह अदालत अच्छी तरह जानती है कि हत्या का औजार ना मिला है ना साबित हुआ है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हत्या नहीं हुई। जब तक हम ये मालूमात ना कर ले कि यह हत्या कैसे हुई, हम रोशन को कसूरवार साबित नहीं कर सकते। लेकिन योर ऑनर मिस्टर जायसवाल, क्या आप रोशन को 100% हत्यारा साबित कर सकते हैं? ऑलमोस्ट से फैसले नहीं होते मिस्टर जायसवाल, इसलिए अदालत पुलिस प्रोसिक्यूशन और डिफेंस सभी से दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करें, वरना ऐसा ना हो कि सबूत ना होने की वजह से मिस्टर रोहिरा के कातिल आजाद घूमे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक साहब ज्यादा खुश मत होइए सर, मानता हूं कि मेरी गाड़ी बहुत आगे नहीं निकल पाई है, लेकिन आपकी गाड़ी भी वहीं की वहीं खड़ी है। और जिन तीन लोगों पे आप उंगली उठा रहे हैं ना, वो उंगली मेरे केस में कोई उंगली नहीं कर पाए। जायसवाल को भूल जाइए सर, और अब तो जज भी हमारी तरफ, बिना ये जाने कि मर्डर कैसे हुआ, किस औजार से हुआ, रोशन पर इल्जाम लगाना बहुत मुश्किल होगा। केवल रोशन की रिहाई मेरा मकसद नहीं है, पर आप सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि साक्ष्य की कमी के कारण असल अपराधी खुला घूमता रहे। एक कक्ष में चार लोग, चारों के पास अलग अलग वस्तु, लेकिन उन चार वस्तुओं में से एक वस्तु भी ऐसी नहीं जिससे हत्या की जाए। हत्या की किस वस्तु से, वो है कहाँ? बिली, हम लोग यहाँ इतना इम्पोर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं और आप अपने नए चश्मों को चमकाने के चक्कर में। केडी क्या करूँ, दुनिया इतनी तरक्की कर ली है, चांद पर जाने का सलूशन है, पर चश्मा जब एसी में धुंधला हो जाता है उसका कोई सलूशन नहीं। चा? You're right, Billy. उसका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन आपने इस केस का सलूशन मुझे दे दिया। और उन वो जो स्टीम रूम का अटेंडेंट है, क्या नाम है?
सम्मेलन तो बार बार चिल्ला रहा था मैंने उन्हें लॉक कर दिया। जी सर, मैंने उन चारों को रूम में लॉक किया था। सर ये बताइए कि जब ये चारों व्यक्ति टीम रूम में गए तो आपने वहां के तौर तरीके चाल चलन के बारे में रूल समझाए? जी हाँ साहब, जब भी कोई गेस्ट स्टीम या सोना में जाता है मेरा काम है उन्हें फुल ब्रीफिंग देने का, क्या अंदर ले जा सकते हो क्या नहीं। उस दिन भी मैंने यही किया था साहब। सर ये आप ले जा सकते हो, कॉफी और खाने पीने का सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। आप म्यूजिक प्लेयर अंदर नहीं ले जा सकते, मोबाइल आप अंदर ले जा सकते हैं पर नेटवर्क बहुत वीक आएगा। मुझे किसी को कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेजेस चेक करना। सर अंदर धुंध में पढ़ना मुश्किल होगा। देखिए मेरे चश्मे का नंबर हाई है, इसके सिवाय मुझे दिखाई नहीं देगा। तो फिर ठीक है सर। फिर ये अंदर गए और 20 मिनट बाद मर्डर हुआ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? पिछली बार मेरी किताब के पीछे पड़े थे, अब क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने मिलिंद को कहा था कि आपके चश्मों का नंबर बहुत ज्यादा है। हाँ पर लग तो नहीं रहा ऐसा, पतली पतले कांच लग रहा। आपको पता नहीं, मैं देख लूं एक बार। ये क्या मजाक है सर? ये मजाक नहीं, ऑर्डर है। दिखाई क्या सर? चिंता मत करिए, लौटा दूंगा। लाइए लाइए लाइए। नंबर ज्यादा तो नहीं लग रहा, माइनस वन होगा। फिर अपने विलेन से क्यों ऐसा कहा था कि बहुत अधिक नंबर है आपके पास? एक्चुअली सर उठाते मेरा सर दर्द होने लग गया था, हमेशा पहनने की आदत है ना। क्या यही कारण था कि आप इन चश्मों को पहनकर स्टीम रूम में गए थे या कोई और कारण? और क्या वजह हो सकती है सर? योर ऑनर, पाठक साहब को कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला तो चश्मे के पीछे पड़े। व्हाट मिस्टर पाठक, चश्मे को लेकर ये क्या विवाद है? योर ऑनर, इस केस के प्रारंभ चार वस्तुओं पर हमारा ध्यान था। सर्वप्रथम ये पुस्तक, द्वितीय ये MP3 प्लेयर और हेडफोन, तृतीय ये मोबाइल फोन और चौथा ये फ्लास्क। किंतु पांचवी वस्तु पर हम में से किसी का ध्यान नहीं गया, ये चश्मा। वाह अब बात है पाठक साहब, यूजुअली चश्मे की वजह से नजर तेज हो जाती है, आपने तो चश्मे पे ही नजर डाल के रखी है। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब आई एम श्योर अब आप ये कहेंगे कि चश्मे की वजह से खून हुआ, औजार है ना ये, माय वेपन ऑफ मर्डर। क्या बात है जसवंत साहब, यू आर अ जीनियस, आपने तो मेरे लिए ये सॉल्व कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दे कैसे होगा। चश्मा, हत्या का औजार, हत्या का औजार है। हत्या का औजार हो सकता है कि ये हथियार है, लेकिन ये ही हथियार है ये आप कैसे प्रूव करेंगे? योर ऑनर, हत्यारा चाहे कितना भी हत्या के औजार को साफ कर ले, उस पर कहीं ना कहीं DNA तो मिल ही जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसका DNA टेस्ट करवाया गया तो रोहिरा साहब का DNA इस पर अवश्य बनेगा। अब दो बातें हो सकती है यहाँ कि DNA टेस्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक आप पुलिस की हिरासत में रहें,
और पुलिस का एक पट्टा होता है, सत्य बोल पट्टा, वो खाते रहे। क्या तो अगर उस मार से बचना चाहते हैं तो एक वाले जुर्म कर लीजिए, तीन दिन बाद तो नहीं पड़ेगा। क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, इस पर जो खून है वो मिस्टर रोहिरा का ही है। मैंने अपने चश्मे से मार दिया उसे। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। ऑर्डर, ऑर्डर। कंपनी के अंदर से मुझे पता चला कि रोहिरा चीफ ऑफिसर के लिए बाहर से एमबीए अपॉइंट कर, जबकि वो पोस्ट के लिए मुझे प्रॉमिस किया था उसने। पिछले 5 सालों से मैं उस पोस्ट की वेट कर रहा था और उसके लिए मैं किसी का भी कत्ल कर सकता हूँ, किसी का भी। इसीलिए उस धोखे का जवाब तो मुझे रोहिरा को देना था, और अगर अचानक रोहिरा मर जाता तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट मेरी हो जाती। और उस दिन परफेक्ट मौका था सबको, इंक्लूडिंग मुझे, रोशन पर जाए। हमें पता था अगर रोशन पकड़ा जाता तो उसे नौकरी से निकाल देते, लेकिन उसी दरमियान अगर रोहिरा की मौत हो जाती तो सबका शक रोशन पर चला जाता। मुझे रोहिरा की आवाज अच्छे से निकालनी आती। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे रोशन, रोशन मुझे मत मारो। मैंने सोचा रोशन को डबल फंसा दूं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए से ये गलती होगी। ये अदालत मिस्टर वर्गीस को मिस्टर रोहिरा की हत्या में दोषी मानते हुए उसे अरेस्ट करने का आदेश देती है, और मिस्टर रोशन को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। अरे सर, आपको पता है केस में क्यों हारा? क्यों? क्योंकि मैं चश्मा नहीं पहनता ना। आप चश्मा पहनते हैं, इसलिए आपको पता चला कि ऐसे निकल के उसमें वो होता है पॉइंटेड। सब विचित्र बात है जसवाल साहब। आप चाहते हैं कि आपकी नजर भी आपकी बुद्धि की तरह कमजोर हो जाए? What a man!